इंडियाज बेस्ट डांसर में आज देखिए डांस का ट्रिपल धमाल, जहां डांसर्स जोड़ी में परफॉर्म करेंगे और उनका साथ देंगे उनके इंडिविजुअल कोरियोग्राफर्स। इसका मतलब सभी डांसर्स को आज और कल दो बार मंच पर उतरना होगा, वो भी अलग अलग कोरियोग्राफर्स के साथ। मेरे लिए ये ट्रिपल धमाल था। डांसर्स डबल एलिमिनेशन से बचने के लिए लगाएंगे जी जान। ये तो सुना ली, लेट्स डांस यार। और भरेंगे टॉप 8 के लिए उड़ान। ये कंप्लीट परफॉर्मर होता है। भैया मेरे पैसे। रंग थे नूर था जब करीब तू था। एक टाइम था जहाँ पे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार थी। हमारा घर टूट गया था और घर बनाते बनाते वो भी टूट गया था। वेलकम टू इंडियाज बेस्ट डांसर इंडिया। पिछले दो हफ्तों और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर मिलेगा आज इंडियाज बेस्ट डांसर को टॉप 8। ऑन दैट नोट आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को। इंडिया डांस का ट्रिपल धमाल में प्रेजेंटिंग एक्सप्रेशन की सल्तनत की रानी साहिबा, हरिद्वार उत्तराखंड से हांसवी टोंग, और जिसने जलाई है अपनी खोई हुई पहचान की नई मशाल, इंदौर मध्य प्रदेश से अक्षय पाल, और उनके साथ है तो योगपुर ऋतुजा। हाय, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे? हाँ, मेरे ख्वाबों में। दिल ने ये कहा है दिल से। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर एक बार कर लो। हाँ, इतना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुम्हें क्या लगा तुम ऋतुजा की तरह मुझे भी मार दोगे? मुझे पता है उस रात तुमने क्या किया था। क्या लगा तुम्हें ऋतुजा मर गई? जो तुमने मेरे साथ किया और न जाने कितनों के साथ, उसका बदला हम लेकर रहेंगे और तुम्हारी मौत हमारे ही हाथों होगी।
Fantastic. What a performance, guys. Roza, taale ho jaye. आज हम डांस का ट्रिपल धमाल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई वुड से कोरियोग्राफिकली नाइस. अक्षय हंसवी परफॉर्म्ड रियली वेल. मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो. एक लिफ्ट किया आपने और अक्षय ने बिगिनिंग में, कॉम्प्लिकेटेड स्विंग, स्विंग अगेन एंड देन यू गॉट रैप्ड इन हिज लेग एंड यू केम डाउन ब्यूटीफुली डन. मेरी जान मेरे दिल पर अदर देन दैट रुतुजा, आई ऑलवेज फील कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी करने की कोशिश करती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें डालती हैं उसमें, एंड बिकॉज ऑफ दैट कभी जो सादगी है ना स्टोरी टेलिंग की, वो अगर चली जाए ना तो आपकी ऑडियंस ढूंढती रहती है, लाइक कन्फ्यूज हो जाती है कि किस चीज़ को देखना है, कब देखना है और कैसे देखना है. ये स्टोरी तीन लोगों के बीच में है, समटाइम्स सिंपलिसिटी इज नाइसर, मुझे ऐसा लगता है. अक्षय, आपने जो किरदार आपको निभाना था आपने जबरदस्त निभाया है उसको. तुझे चुरा लो, थोड़ा इंतजार कर लो, जितना बेकार. हंसवी, आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज़ यू नो टू डू लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स एंड एट द सेम टाइम वो यू नो साझेदारी निभाना, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हंसवी. बट थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा है ना वो स्टोरी टेलिंग का कई जगह पे गिरता गया. बट आई हैव टू से कि एज कंटेस्टेंट्स वेल डन. थैंक यू सर. 9 marks, 8 marks, तो आपका टोटल होता है 17. तो पिछले दो हफ्ते के स्कोर्स और इस हफ्ते के स्कोर्स के हिसाब से हंसवी आपका टोटल होता है 62 एंड अक्षय आपका टोटल होता है 77. जजेस, आज हमारी अगली तिगड़ी के पास एक सुपर पावर है, वो आज खुद अपने आप को तूफानी दे सकते हैं. वो आज खुद अपने आप को क्राउन पहना सकते हैं, और तो और वो आज खुद अपने आप को सजदा करके स्टुपेंडो फैंटाबुलसली फैंटास्टिकल दे सकते हैं. तो जजेस जानना चाहते हैं वो सुपर पावर क्या है, खुद ही देख लो. सो इंडिया डांस का ट्रिपल धमाल में प्रेजेंटिंग, देखकर अपने बालों के झंडे की गति जो फटाफट बनना चाहता है, पति जलगांव महाराष्ट्र से शिवम वांखड़े एंड अनबिलीवेबल मूव्स की सुनामी देवपर्णा गोस्वामी, और उनके साथ है कोरियोग्राफर वैभव गुगे. गीतू, अच्छा हुआ ना आज टेरेंस आया नहीं है. हाँ सोनाली, बहुत नाचता और हमें भी नचाता है. गर्ल्स, तुमने पुकारा और मैं आया. अरे माय गर्ल्स, तुम्हें देखकर ही तो सबने डांस सीखा है. यू बोथ आर द रियल देसी गर्ल्स. Now it's too funny time. Too funny. सोनाली, कितना अच्छा डांस किया ना हमने. सोनाली, टेरेंस,
मुझे भूल गए। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। पड़े नमन पे जो नजर, सारे सपनों में रंग भर जाए। ढूंढो जहां भी चाहे कहीं, न तुमको मिलेगी कोई ऐसी गाय। बजर क्यों दिया? जो तूने सत्यानाश किया भी। वैभव सीरियसली तू क्यों बना? मैं बस मैम, मैं सोनाली मैम सूट ही नहीं होऊंगा। क्या तो तेरे को लग रहा है तू मैं सूट कर रहे है? नहीं, तो तेरा ही बच्चा है। गीता मैं आप ही से शुरू करते हैं, बताइए। नहीं नहीं, टेरेंस सर से शुरू करेंगे। अरे मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस एक्ट टेरेंस सर। क्या पकड़ा है लेकिन। गर्ल्स, तुमने पुकारा और मैं आया। आई लाइक हाउ शिवम इन माई स्टाइल रैन अराउंड देम। वो जो हमारे जो एसेंस है, कुछ कुछ चीजें आपने पकड़ के रखी थी। आई लाइक हाउ यू पुट इट ऑल टुगेदर। देव पन्ना का जो एक सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से शिवम ने उसको अपनी टांगों के साथ लेकर वन लिफ्ट टू द अदर लिफ्ट टू द अदर लिफ्ट टू द अदर लिफ्ट, और बहुत ब्यूटीफुल और यूनिक था वो लिफ्ट। डांस का लेवल जो है, आई वुड से दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। इट लुक्ड थोड़ा सिंपलिस्टिक फॉर मी। आई एग्री विद टेरेंस कंप्लीटली। आज का जो डांसिंग का लेवल था वो मुझे फन, एंटरटेनिंग और मज़ेदार लगा, लेकिन कंपेटिटिव लेवल पे मुझे लगा थोड़ा सा कम पड़ गया। ओके ऑलराइट, तो आपका टोटल होता है 16। पिछले दो हफ्ते के परफॉर्मेंस और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर शिवम आपका टोटल होता है 70 एंड देवपर्णा आपका टोटल होता है 71। गीता माँ, यार कुछ भी बोलो, रिसर्च की बात करें तो रिसर्च बहुत कमाल की है यार। वो मेरे को वो सेक्शन जो रील वाला बताया ना, ये हर हफ्ते का है भैया। गर्ल्स, नाउ इट्स माय रील टाइम, लेट्स डू इट। विपुल इधर आ। एक्चुअली ना आजकल मैं पूछती हूँ, मेरे मैनेजर को पूछती हूँ कि टेरेंस सेट पे गया क्या, क्योंकि उसके जाने के बाद ही कभी कभी ना ऐसे फांगड़ी करके मैं निकलती हूँ, फिर देखती हूँ कि टेरेंस का रील चल रहा है, वो बाहर निकल रहा है, बड़ा धमाकेदार लग रहा है, और मैं चप्पल वप्पल में निकल रही हूँ। देखिए, हम हफ्ते में एक ही बार सज धजते हैं, तो मैं कहता हूँ कि क्यों ना थोड़ा रील ही बना दूँ, क्योंकि फ्री में सब मेकअप हेयर स्टाइल हो जाता है। लेकिन तो आपको पता है आसानी हो जाती है। चेंजिंग रूम होता है, वैनिटी क्यों रहता है कि वहाँ पे प्रिवेसी रह सके। करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट, आप कपड़े बदलते वक्त भी यू नो वहाँ पे कैमरा लगा के यू नो पूरी दुनिया को यू नो प्रदर्शन करते हैं। मेरे पास सबूत भी है कि ये आदमी वैनिटी के अंदर सबूत है। अरे वैनिटी के अंदर भी कपड़े निकालते वक्त भी यू नो ये कैमरा लेकर रील बनाता, पता नहीं तुझे भी पता है। अरे फॉलोअर हूँ ये, देखो। ओह माय गॉड, आंसर कमिंग। थैंक यू, आपने एक और रील बनाया है, ये भी मैं छापूंगा।
बेसिकली हम एंटरटेनर्स हैं, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, so why not do it? इनसे तो पूछ लिया, लेकिन असली टेरेंस से भी पूछ लेते हैं। आपने जिस सक्षम तरीके से और निपुणता से हम सभी प्रतियोगियों के हृदय में प्रेम का संतुलन बना के रखा है, दैट इज प्रेम का संतुलन। तुम्हेश्वरी सर, आपके लिए तो बनता है, एंड मैं ये क्राउन आपको वहां पे आके पहनाना चाहता हूँ। थैंक यू। एक चीज मैंने देखी है कि जब भी टेरेंस सर यहाँ पर आते हैं, गीता माँ के साथ एक डांस रील तो बनाते ही है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जब दो टेरेंस हमारी इस गीता कपूर के साथ जब डांस करते हैं तो कैसा वायरल होता है। बाबा 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 सोनाली जी, आप एक काम करिए, उस सीट पे ही बैठ जाइए। आइए, नमस्ते, कैसी हैं आप? आइए आइए, बैठिए बैठिए। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी, बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। क्या बात है, तो ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। क्या बात है टेरेंस, क्या परफॉर्मेंस दिया तुमने, मजा आ गया। सोनाली जी, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ। तूफानी परफॉर्मेंस, ये तो बनता ही है। अरे अरे अरे, ओहो, नहीं नहीं, आप ही दे दीजिए। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, प्लीज टेक अ सीट, थैंक यू सो मच। भैया एक पेन ले लो, भैया प्लीज प्लीज, भैया एक पेन ले लो। ए चलवा क्या सर? भैया ये बुक ले लो ना, बस 10 रुपए का है, ले लो ना भैया। 10 रुपए की? 2 रुपए में दे रहे हो तो लेता हूँ। दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बाबा आप आराम करो, हम खाना लेके आते हैं।
ए चल हट। परिस्थिति हम रोज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते ही रहते हैं। आज मेरी आर्थिक स्थिति अलग है, लेकिन एक टाइम था जहाँ पे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बहुत ही बेकार थी। हमारा घर टूट गया था और घर बनाते बनाते वो भी टूट गया था। सो आई थिंक आपके पास एजुकेशन ना हो, ठीक है, खाना भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फरिश्ता आके दे देता है आपको इन सम वेज। But I think कभी कभी घर ना होना, it's like losing your foundation, it's like losing a stability. So I think in so many ways वो जिस तरीके से आपने दर्शाया, I think that was very very impactful for me. Please भैया एक पेन ले लो। ए चल भाग यहाँ से। 10 रुपए की, 2 रुपए में दे रही हो तो लेता हूँ। ए चल हट। भैया मेरे पैसे। This was Chumeshwari in so many ways. Not just because अरे ये emotional है, मैं भावुक हो गया। Yes, emotions एक तरफ, but you cannot ignore the fact that dancing was top class. जिस तरीके से आपने एक टाइम पे कनेक्शंस बांधे ना, वो कनेक्शंस बहुत ब्यूटीफुल थे। हमारी अधूरी कहानी, हर लव्स जो था आप किस तरीके से उसको दर्शाया है क्रिएटिवली, अमेजिंग। कुछ अधूरा सा जो था पूरा हो जाएगा। आपका जो लास्ट सीन था वो भी बहुत पॉइग्नेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप हालात से गरीब हो, लेकिन जब वो एंड में वो लड़का आया, आप दिल के अमीर बन गए, और ये बहुत बड़ी बात होती है। Well said. विवेक, आई हैव टू गिव इट टू यू, किसी भी कंटेस्टेंट के साथ आप अच्छा कर जाते हो। करेक्ट। या वो कंटेस्टेंट अच्छा कर जाता है आपकी वजह से। पैकेज्ड वेल, कोरियोग्राफ्ड वेल, परफॉर्म्ड वेल। तो जब ये सब होता है तो बड़े कलाकारों से खड़े रह के बात करनी ही चाहिए। मेरे लिए ये ट्रिपल धमाल था, और जब ट्रिपल धमाल होता है तो ये बनता है। मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन
अगर ये कर ही गए हैं तो मैं भी एक चीज भूल गया हूँ कि ये बनता है। आपको बता दूं कि पिछले दो हफ्ते के परफॉर्मेंस और इस परफॉर्मेंस के आधार पर शिवांशु आपका टोटल होता है 80 एंड अंजलि आपका टोटल होता है 74। इस हफ्ते विपुल को डबल एलिमिनेशन का स्ट्रेस था, तभी हमारे चतुर मिनिस्टर समर्पण ने विपुल से कहा, लड़कियां तो हमारी फैन है ही, इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि लड़के भी हमारे फैन हो जाए। ये क्या प्लान कर रहे हैं? बहुत सोचने के बाद इन दोनों के दिमाग में लड़कों को अपना फैन बनाने का एक अद्भुत आइडिया आया। वो आइडिया क्या है जजेस, मैं बता ही नहीं पाऊंगा, आप खुद ही देख लो क्या कर रहे हैं लोग। सो इंडिया डांस का ट्रिपल धमाल में प्रेजेंटिंग इंडिया का सीएम यानी कि चतुर मिनिस्टर पुणे महाराष्ट्र से समर्पण लामा, और म्यूजिकलिटी है जिनकी ढाल चंडीगढ़ पंजाब से विपुल खानपाल, और उनके साथ है कोरियोग्राफर भावना खंडूजा। विपुल
आई हैव टू टेल यू, आई डोंट केयर वो विग कहाँ गया, क्यों उड़ गया, क्या हुआ, द वे यू कैरीड ऑन वाज आउटस्टैंडिंग. आई लव यू विपुल. थैंक यू. आई लव यू. ये कंप्लीट परफॉर्मर होता है जो बिल्कुल अलर्ट भी रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. द जॉब हैज टू बी कंप्लीटेड. यू कंप्लीटेड द जॉब. थैंक यू. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट यू. समर्पण यार. हाय हाय समर्पण. अनबिलीवेबल. वो जो यहाँ पे बीच में आके हो, क्या था वो, सीटी बजाना जरा वापस. विपुल. नहीं नहीं अवॉइड. वो जो तीखापन है ना, जो समर्पण लेके आता है जब वही करता है तो वो अलग बात. समर्पण एक किसी ने इसको काला टीका भी लगाया पीछे. वो बनता भी है क्योंकि जैसे ये परफॉर्मेंस देते आया है इतने समय से कि नजर ना लगे, उसकी जर्नी बनी रहे. एक्चुअली आइडियली समर्पण को भी एक काला टीका लगा लेना चाहिए क्योंकि हफ्ते दर हफ्ते ही इज जस्ट डूइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. समर्पण थैंक यू सो मच. अमेजिंग एक्ट. मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से आप एक के ऊपर के इन्हें एक फॉर्मेशन आया चढ़े और इसके पीछे एक आपने एक बिच्छू का एक एक आकार लिया और जो डंक मारा वो बहुत खूबसूरत था. मराठी लावणी का जो वो लहजा है ना, उस तरीके से वो आंखों से रिझाते हैं, जिस तरीके से खेलते हैं, उनके कई चीज बहुत सटल होती हैं जो मुझे समर्पण और विपुल में दिखे. भावना, आई नीडेड मोर फ्रॉम यू. विद अ लेटर. ओके. क्या लिखा है भाई? ये लिखा है टू माय फाइनलिस्ट. फाइनलिस्ट मतलब जजेस को नहीं पता, जनता को नहीं पता, इसको पता भी चल गया कि ये उसका फाइनलिस्ट है. अभी के हिसाब से तो मेरे को विपुल लग रहा है क्योंकि आपने बहुत बार बोला है कि फाइनलिस्ट फाइनलिस्ट. अगली लाइन है माय लव. माय लव. माय लाइफ. माय लाइफ. माय चार्मर. माय चार्मर. तो फिर माय क्यूटी पट्टो. चार्मर लिखा है. चार्मर. माय क्यूटी पटोटी. मैं बताऊं हाँ. मुझे लगता है ना कि ये और कोई नहीं समर्पण ही है. समर्पण नहीं. हाँ क्यों? क्योंकि यही क्यूट क्यूटोज पटोटी ये सब यही है. और ना ये लड़कियों से भी बहुत बातें करता है. लड़कियों से बातें करता है. इसकी कोई ना कोई तो दीवानी होगी. मुझे उनमें से चार्मिंग भी बोला, उसमें विपुल भी अभी है. एग्जैक्टली. नहीं विपुल नॉटी है. वाह. समर्पण इज जेन्युइनली ऐसा मतलब चार्मिंग. और भी लिखा है एक बार बोल के दिखा दो तुम्हारे अंदाज में. उफ उफ उफ. इस अवतार में ये उफ अच्छा नहीं लग रहा है सम्मू. अभी वो फैन कौन है वो तो हमें पता नहीं. आई होप कि यू नो ये शो के एंड तक हमें पता चल जाए. थैंक यू सो मच समर्पण. प्लीज बैठ जाइए. थैंक यू सो मच. इंडिया डांस का ट्रिपल धमाल कल भी जारी रहेगा और कल इस मंच पे आपको एक और सरप्राइज मिलने वाला है. कल इस मंच की जगमगाहट थोड़ी और बढ़ने वाली है. ये कल इस मंच पे आने वाली है 70s की सुपरहिट एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी. तो कल की मस्ती मिस मत कीजिएगा. मिलते हैं कल ओनली ऑन इंडियाज बेस्ट डांसर. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.